हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये सिक्स्थ लेक्चर और हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर नेबला, इसको ऐसे लिखते हैं और ये डिफाइंड होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। आई जे के को हम प्राय दाहिने लिखते हैं ना, जैसे देखो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ऐसे लिखते हैं। आई ए वन प्लस जे ए टू प्लस के ए थ्री नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां पे लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स एक ऑपरेटर है, इसके दाहिने अगर आप क्वांटिटी लिख देंगे तो वो ऑपरेट कर जाएगा। मान लीजिए डेल अपॉन डेल एक्स के बगल में हम एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये ऑपरेट कर जाएगा। ऑपरेट करके कितना दे जाएगा, 2x। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको हम दे चुके हैं। आई कैप कॉन्स्टेंट वेक्टर है, इसको इसके बगल में लाइएगा तो यह इसको ऑपरेट कर जाएगा और कॉन्स्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो अब एक नया झमेला शुरू हो गया। अभी तक क्या था कि वेक्टर और स्केलर साथ साथ चल रहे थे और अब क्वांटिटी और ऑपरेटर साथ साथ चलेगा। ऑपरेटर किसी क्वांटिटी पे ऑपरेट तब करेगा जब ऑपरेटर के दाहिने वो लिखा रहेगा। फिर समझिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स कि दाहिने तरफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेगा और आपको देगा 2x। लेकिन डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटर के बाईं तरफ अगर एक्स स्क्वायर लिख दें तो कुछ नहीं होगा, ऐसी पड़ा रहेगा। और ये क्या होगा, ये खुद में एक ऑपरेटर होगा। जब इसके बगल में हम लिख दें एक्स क्यूब तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब का डेल बाई डेल एक्स 3x² = 3x⁴। ऐसा ठीक। तो वेक्टर भी चलेगा, स्केलर भी चलेगा, क्वांटिटी भी चलेगा, ऑपरेटर भी चलेगा। बहुत सोच समझ के सारा काम करना है। जहाँ जहाँ सावधानियाँ बरतने की अत्यंत आवश्यकता होगी मैं आपको बिल्कुल रिमाइंड करूँगा। तो ये नेबला, इसको डेल भी लोग पढ़ते हैं लेकिन मैं इसको नेबला पढ़ूंगा। नेबला इसका शुद्ध नाम है, नेबला ही पढ़ूंगा। सिग्मा फॉर्म में दैट इज नेबला इज इक्वल टू, लिखने से फिलहाल मैं गुरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेटर के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल नहीं होता है, लेकिन जो चलन में है वो इक्वल ही है। फिलहाल अभी तो मैं सही सही लिख दे रहा हूँ, बाद में हम भी फिर इक्वल लिखना शुरू कर देंगे। तो सिग्मा फॉर्म में हम लिखेंगे सिग्मा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, यही है नेबला ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लास ऑपरेटर। लाप्लासियन भी बोलते हैं, लाप्लास भी बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये क्या है, ये है नेबला स्क्वायर इज नेबला डॉट नेबला, यही डेफिनेशन है इसका। कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करें, कंपोनेंट फॉर्म में, तो नेबला स्क्वायर हो जाएगा नेबला माने आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट अगेन आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आप पढ़े हुए हैं, इंटर से ही जानते हैं। आई के कोफिशियंट का आई के कोफिशियंट में, जे के कोफिशियंट का जे के कोफिशियंट में, के कोफिशियंट का के कोफिशियंट में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स फिर डेल अपॉन डेल एक्स, इसी को क्या बोलेंगे हम, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सिग्मा फॉर्म इसको लिखें तो लाप्लासियन ऑपरेटर नेबला स्क्वायर इज सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये दूसरा ऑपरेटर है। तीसरा ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर के रूप में आपको हम बताएंगे, उसका कोई नाम नहीं है, बस उसको ध्यान में रखना है। उसको हम स्पेशल वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी वो आ जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे शायद।
भूल ही जाते हैं बच्चे। नंबर तीन, इसको मैं बोल रहा हूं, ये प्रचलित नाम नहीं है, मैं बोल रहा हूं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल वर्ड इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इसे याद रखें। ये है वेक्टर ए डॉट नेबला। नेबला एक ऑपरेटर है। अगर नेबला के दाहिने तरफ इसको कर दें तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, ये इस पर ऑपरेट करेगा और एक क्वांटिटी आपको देगा। लेकिन ऑपरेटर के बाईं तरफ क्वांटिटी लिख दिया है तो ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, यही ऑपरेटर बनेगा। अब इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा देखें, वेक्टर ए डॉट नेबला इक्वल्स टू, ए को हम लिख दे रहे हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, इसे लिखिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ऐसा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले आपको कुछ हम खबरदार कर रहे हैं, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझिएगा कि दिस डॉट दिस इक्वल टू दिस डॉट दिस। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव वहां होगा जहां पे दोनों वेक्टर्स होंगे ना, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जहां पे होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर ऑपरेटर है, समझ रहे ना। तो इसमें आपका कम्यूटेटिव ला मत लगाइएगा, नहीं ये इधर जैसे ही आ जाएगा ये ऑपरेटर उस पर ऑपरेट कर जाएगा, तो वो छोड़ दीजिए। क्वांटिटी डॉट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू दिस ऑपरेटर डॉट क्वांटिटी, क्योंकि ऑपरेटर के दाहिने जैसे ही इसको लाओगे ना ये ऑपरेटर में उस पर ऑपरेट कर जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको खबरदार करता रहूंगा। तो ऑपरेटर वगैरह पढ़ते समय किसी का भी क्रम हम नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे, मतलब ये ए वन ए टू ए थ्री ये बाएं रहेंगे और ये सब दाहिने रहेंगे। तो डॉट करिए, डॉट का तो नियम आपको पता है, दिस डॉट दिस। ए वन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए टू डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल अपॉन डेल जेड, ये इसका मान होगा, ये खुद ऑपरेटर है। सिग्मा फॉर्म में इसको हम लिखें तो जाएगा सिग्मा ए वन डेल अपॉन डेल एक्स। अब थ्रू आउट द होल पोर्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर्स सम ऑफ थ्री टर्म्स हमको देखने को मिलेगा, हमेशा हमें तीन टर्म्स का सम देखने को मिलेगा और वो सिमेट्रिकल में अगर होगा तो उसको हम सिग्मा फॉर्म में लिख देंगे। और सिग्मा फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले टर्म पे हम सिग्मा लगा देंगे, हालांकि हम दूसरे टर्म पे भी सिग्मा लगा दें। जैसे मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन ही वेक्टर है, सिग्मा वेक्टर ए बराबर हम क्या समझेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सिग्मा वेक्टर बी बराबर हम क्या समझेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। सिग्मा वेक्टर सी हम क्या समझेंगे, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सोचो ये एक ही चीज है कि नहीं, इसका मतलब हम चाहे फर्स्ट सिंबल पे सिग्मा लगाएं, चाहे सेकंड पे सिग्मा लगाएं, चाहे थर्ड पे सिग्मा लगाएं, एक ही मतलब है। लेकिन चलन जो है वो ये है कि हम पहले टर्म पर सिग्मा लगा देंगे। इसे और सुंदर तरीके से हम सजा सकते हैं, देखिए कैसे। वेक्टर ए डॉट नेबला इज इक्वल टू, वही फिलहाल इक्विवेलेंट लगाए रहिए, बाद में हम इक्वल इक्वल लिखना शुरू करेंगे। सिग्मा ए वन को हम लिख दें दिस वेक्टर डॉट आई, यानी वेक्टर ए डॉट आई कैप लिख दें, ये वेक्टर ए है भैया, इसमें आई से डॉट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए वन ही तो आएगा, आई डॉट आई वाला वन, आई डॉट जे वाला जीरो, आई डॉट के वाला जीरो, तो आई डॉट आई वन ए वन बचेगा। तो ए वन को हमने लिख दिया वेक्टर ए डॉट आई और बगल में डेल अपॉन डेल एक्स, यही है स्पेशल ऑपरेटर। ये जब भी आपसे मिलेगा तो आपको पहचानने में होगी दिक्कत, इसीलिए मैंने इसका नाम लिख दिया स्पेशल ऑपरेटर, शायद इसलिए आपको याद रहे, ये जब भी इसकी जरूरत पड़ती है क्लास में बच्चे इसको बता नहीं पाते। तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं, इनको डिफरेंशियल ऑपरेटर्स कहते हैं। और डिफरेंशियल भी कैसा डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था शुरू में, पहले वीडियो में। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन
बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो फंक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करे। अब फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ अ पॉइंट इज टर्म्ड एज अ पॉइंट फंक्शन अ पॉइंट फंक्शन मे बी स्केलर और वेक्टर। कैसे? जैसे इस रूम के हर पॉइंट पर टेम्परेचर अगर हम नापें तो समान टेम्परेचर नहीं आएगा। जो पॉइंट कहीं कोने में फंसा हुआ वहां थोड़ी सी गर्मी होगी, जो पॉइंट एयर पैसेज के रास्ते में होगा वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन आएगा। यानी पॉइंट टू पॉइंट टेम्परेचर वेरी करेगा, समझ रहे ना आप? सो टेम्परेचर इज ए पॉइंट फंक्शन बाय नेचर। टेम्परेचर इज स्केलर, सो टेम्परेचर इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। दूसरा एग्जांपल समझे, इस कमरे में डस्ट पार्टिकल्स होगा ना, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग होगी। बिल्कुल जहां पे एकदम सन्नाटा जैसा है वहां पे उसकी वेलोसिटी, वो पॉइंट धीमे धीमे चल रहा होगा, हिल रहा होगा, मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर कहीं रोशनदान वगैरह है, वेंटिलेशन है, एयर आ रहा है किसी छेद से, किसी होल से, नीचे से कहीं से एयर आ रहा है, तो उस एयर के पैसेज में जो पार्टिकल मूव करेगा थोड़ा तेज मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल इन दिस रूम इज अ पॉइंट फंक्शन। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है इसलिए ये हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वो स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकते हैं और स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकते हैं। अब हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेनली हमें तीन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, तीन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। इन्हीं ऑपरेटर से जो नेबुला था ना, इसी से बनेगा सब। नेबुला से बने हुए तीन ऑपरेटर हम और देखेंगे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। फाइव ऑफ एक्स वाई जेड, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेड, जी आर ए डी लिखेंगे, पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइंड बाई नेबुला फाई। ये मेन डेफिनेशन हो गया। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइंड बाई नेबुला फाई। नेबुला ऑपरेटर है, उसके दाहिने तरफ ये क्वांटिटी है फाई, तो ये इसके ऊपर ऑपरेट कर जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म इसका ये देखा जाए, ग्रेड फाई इज इक्वल टू नेबुला फाई इज इक्वल टू, नेबुला माने आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब इंटू पिंटू नहीं लगेगा यहाँ पे, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? इनटू भी नहीं बोलेंगे, हम पढ़ेंगे नेबुला ऑपरेटेड ऑन फाई। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करेगा, इनटू पिंटू नहीं बोलना है। दिस ऑपरेटेड ऑन फाई इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, तीनों को फाई पर ऑपरेट करेगी। आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। काम पूर्ण होगा, इसलिए अब इस आई कैप को हम यहां लिख सकते हैं, जे कैप को यहां लिख सकते हैं, के कैप को यहां लिख सकते हैं, अब कोई खतरा नहीं है।
that is grade phi is equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. ये क्वांटिटी ऑपरेटर स्केलर वेक्टर ये सब पूरा झमेला है, इससे आप घबराइएगा मत, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बड़ी क्लास में इसीलिए इन चीज़ों को रखा गया है, नहीं तो इसको 11th 12th के सिलेबस में भी तो डाला जा सकता था. सिग्मा फॉर्म में इसको लिखे अगर हम, दैट इज ग्रेड फाई इज इक्वल टू सिग्मा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, चाहे ये लिखो चाहे डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप को इधर कर दो, जो तुम्हारी मर्जी. ठीक है भाई, इसी में एक और हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि देखो फाई और फाई को हम हटा दें, ग्रेड फाई पे ऑपरेट हुआ है तो इधर भी कोई चीज है जो फाई पे ऑपरेट हुआ है, यानी दाहिने दाहिने से फाई हटा दें तो हम देख रहे हैं कि ग्रेड नाम का जो ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट हो गया किस ऑपरेटर के, सिग्मा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इसे भी दिमाग में रखना. इसके बाद फिर नोट लगा लीजिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ग्रेडियंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ग्रेडियंट डिफाइंड होगा किसके लिए, स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए, और खुद ग्रेडियंट जब डिफाइंड हो जाएगा तो ग्रेड फाई का नेचर क्या होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है ना, देखो ग्रेड फाई ये वेक्टर नहीं है, इसमें आई कैप भी है जे कैप भी है के कैप भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है. स्केलर फंक्शन का ग्रेड डिफाइंड होगा और डिफाइंड होने के बाद जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. नेचर ऑफ ग्रेड फाई इज वेक्टर. नेबला से ही बना हुआ अब हम दूसरा ऑपरेटर देखेंगे जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस divergence of a vector point function, vector point function, vector a of x y z, vector a is a function of coordinates of a point, ye point function hua. Divergence ko short mein div likhenge aur bagal mein humne likh diya vector a, डिव वेक्टर ए, डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज डिफाइंड बाय नेबला डॉट वेक्टर ए, यही इसका डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन यही है. अब इसका हम कंपोनेंट फॉर्म निकालने जा रहे हैं, चूंकि ये वेक्टर ऑपरेटर है ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट हुआ तो फाइनली क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, डॉट है ना ये स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस डिफाइंड होता है और डाइवर्जेंस खुद स्केलर क्वांटिटी होता है. इसको हम कंपोनेंट फॉर्म आई जे के फॉर्म में आइए चेंज करें. डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू नेबला माने आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट. इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखें वेक्टर ए को, ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप. अब आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए,
ये ऑपरेटर है, ये क्वांटिटी है, तो कृपया दिस डॉट दिस मत लिख दीजिएगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, वेक्टर क्वांटिटी डॉट वेक्टर क्वांटिटी है, तब हम पलट सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑपरेटर है क्वांटिटी, तब पलटिएगा मत। तो आई से आई का डॉट होगा तो वन आएगा, आई से जे का डॉट जीरो, आई से के का डॉट जीरो, ऐसे ही जब करोगे तो कुल 9 टर्म्स आएंगे, उसमें से 3 टर्म जिंदा बचेगा, आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला, के डॉट के वाला। माने डेल अपॉन डेल एक्स, और इसके दाहिने क्या लिख दें हम, ए वन प्लस डेल अपॉन डेल वाई, इसके दाहिने क्या लिख दें ए टू प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और दाहिने क्या लिख दें ए थ्री। सिग्मा फॉर्म में इसको अगर लिखा जाए, दैट इज डिप वेक्टर ए इक्वल टू सिग्मा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स। पहले टर्म पर सिग्मा लगा देते हैं, इस सिग्मा को खोलना हुआ तो कैसे खोलेंगे, पहला टर्म तो यही होगा और दूसरा इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने मतलब एक बार एक्स की जगह वाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर वाई की जगह जेड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये स्केलर है ना, देखो ये जो वैल्यू आई इसमें ना आई है ना जे है ना के है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज ए स्केलर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस डिफाइंड होता है वेक्टर फंक्शन के लिए, लेकिन डाइवर्जेंस ए खुद स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशन, रोटेशन और कर्ल। अब ये हम ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर ए ऑफ एक्स वाई जेड। आर ओ टी रोटेशन वेक्टर ए, और अब कर्ल में क्या इसको शॉर्ट करोगे, एक दो तीन चार ही लेटर है तो शॉर्ट क्या करना है, इसलिए इसको पूरा लिखते हैं सी यू आर एल। कर्ल वेक्टर ए इज डिफाइंड बाय नेबला क्रॉस वेक्टर ए। ये वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, यही मेन डेफिनेशन है। अब इसको आइए हम कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करें। तो पहली बात तो ये है, वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आएगा, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कंपोनेंट फॉर्म देखिए, कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू नेबला, नेबला माने आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस। वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 9 टर्म्स को लाएंगे। तो अगर आप कहें तो हम कुछ टर्म ना लिखें, जैसे कि पहले में पहला से करेंगे तो आई क्रॉस आई होगा, या हम लिख ही दे रहे हैं। स्केलर स्केलर पे ऑपरेट करेगा तो जाएगा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स, और बगल में क्या आएगा आई कैप क्रॉस आई कैप। ये पहला उठाया हमने, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस, आगे बढ़े, दिस क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस करना है, और ये ऑपरेटर है, ये क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखते हुए तो हो जाएगा प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स विथ आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स विथ आई कैप क्रॉस के कैप। अब आप सेकंड वाले को उठाइए, प्लस डेल ए वन अपॉन डेल वाई विथ जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल वाई विथ जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस डेल ए थ्री, ये ना इस पर डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई विथ जे कैप क्रॉस के कैप, तीन ये हो गए। फिर इसको उठाइए, प्लस डेल ए वन अपॉन डेल जेड यहां से, डेल ए टू अपॉन डेल जेड सेकंड वाले में, डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड थर्ड वाले में, तो डेल ए वन अपॉन डेल जेड के कैप क्रॉस आई कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल जेड k
के कैप क्रॉस जे कैप प्लस डेल ए टू अपॉन सॉरी डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड के कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, जीरो वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप जीरो। अब कुल सिक्स टर्म्स बच गए, उनको हम पेयरिंग करने जा रहे हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा, उसको हम इस डायग्राम से याद रखते हैं, आई जे और के। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, उल्टा चलेंगे तो माइनस। तो कुल मिला के आ गया इंप्लाइज दैट कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू आई क्रॉस जे कितना होगा, के, यानी कि डेल ए टू अपॉन डेल एक्स के कैप, ये लिख दिया हमने। आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो हो गया माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप, ये हो गया। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई के कैप, ये हो गया। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होगा, तो हो गया प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई आई कैप, ये लिख दिए। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होगा, तो प्लस डेल ए वन अपॉन डेल जेड जे कैप, ये लिख दिए। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, तो हो गया माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड, और के क्रॉस जे माने माइनस आई कैप, माइनस लिख दिए। अब इसमें आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के तीन पैकेट बनाइए। आई कैप कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो पहले पॉजिटिव लिखना है फिर नेगेटिव। डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड, ये हो गया आई कैप। जे कैप के टर्म कहाँ कहाँ है, ये है ये, डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे हो गया, ये वाला। के वाला कहाँ कहाँ है, यहीं एक ही लाइन में। डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई विथ के कैप, बिल्कुल ठीक। कर्ल वेक्टर ए, यही बड़ा समान है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस टर्म को रोटेट करोगे ये आएगा, फिर इसको रोटेट करोगे ये आएगा, ये गोल गोल घुमाना सीखिए। जैसे ए वन ए टू ए थ्री, घूमने वाले कौन कौन हैं, एक्स वाई जेड और आई कैप जे कैप के कैप। ए वन को रोटेट करेंगे ए टू आएगा, ए टू को रोटेट करेंगे ए थ्री आएगा, और ए थ्री को रोटेट करेंगे तो फिर ए वन आ जाएगा, साइक्लिक। एक्स को रोटेट करिए वाई, वाई को रोटेट करिए जेड, और जेड को रोटेट करिए तो एक्स, आई को रोटेट करिए जे, जे को रोटेट करिए के को रोटेट करिए तो आई, देखो यही है। अब ए थ्री के बाद कौन आएगा, ए थ्री के बाद कौन आएगा, ए वन, देखो y के बाद कौन आएगा, z, a2 के बाद कौन आएगा, a3, z के बाद कौन आएगा, x, i के बाद कौन आएगा, j। अब इसको घुमाओगे तो ये मिलेगा, देखो a1 के बाद कौन आएगा, a2, z के बाद कौन आएगा, x, z के बाद कौन आएगा, x, a3 के बाद कौन आएगा, a1, x के बाद कौन आएगा, y, j के बाद कौन आएगा, k, तीन टर्म हो गए। सिग्मा फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू सिग्मा, पहले टर्म पर सिग्मा लगा दें, डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस
डेल ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप। अब इसे तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, अब बड़ा है तो है। हाँ, इसे याद रखने के लिए एक हम टूल बना दे रहे हैं, उस टूल से ये आसानी से याद हो जाएगा। वैसे थोड़ा भारी है लेकिन उस टूल से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो याद करने के लिए एक हथियार है, उपकरण है। हाँ, वो डेफिनेशन नहीं है, कुछ लोग उसको डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत गलत करते हैं। मैं बताता हूँ सब रहस्य से आपको। इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन एक्सप्रेस दिस फॉर्मूला एज इस फार्मूले को लिख रहा हूं, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ध्यान रहे किसी को लिख रहा है। कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट पहली लाइन में लिखिए आई जे के, दूसरी लाइन में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, तीसरी लाइन में ए वन ए टू ए थ्री। देखो कर्ल ए बराबर होता है नेबला क्रॉस वेक्टर ए, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आप निकालते ही रहे इंटरमीडिएट में। पहली लाइन में आप आई जे के लिखते हो, दूसरी लाइन में इसके पहली इसके कोफिशियंट्स लिखते हैं, इसके कोफिशियंट्स आई जे के कोफिशियंट्स क्या होंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तीसरी लाइन में इसके कंपोनेंट्स लिखते हो ए वन ए टू ए थ्री। अब आपको होगा तो फिर क्या दिक्कत क्या है सर, दिक्कत यह है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते समय हम क्या करते रहे हैं, इसको लिखेंगे फिर इसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो करते थे ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब दिस इंटू दिस करिएगा, देखो आई कैप का हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल वाई, अब इंटू पिंटू जो भी कहिए ए थ्री, माइनस दिस इंटू दिस ए टू डेल अपॉन डेल जेड। ये देखो नॉनसेंस हो गया, ये तो ऑपरेटर है, इसके ऊपर ये ऑपरेट कर जाएगा, ऑपरेटर के दाहिने क्वांटिटी है तो ऑपरेट कर जाएगा, लेकिन ऑपरेटर के बाएं अगर क्वांटिटी लिख दिए तो ये घूम के ऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर ये नॉनसेंस टर्म आ गया ना, उसका कहां कोई मान होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये डेफिनेशन नहीं है, ये इस लंबे एक्सप्रेशन को याद करने के लिए एक टूल है। इस टूल में हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि सभी मल्टीप्लीकेशन ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऐसे सारे मल्टीप्लीकेशन ऐसे होंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो अब तो गलती नहीं होगी, देखो ये छूटा ये छूटा, दिस अब दिस इनटू दिस मत पढ़िए क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये क्वांटिटी है, तो आप पढ़िए डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन ए थ्री माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन ए टू, ऐसे ये देखो आई वाला आ जाएगा। फिर जे वाला क्या करते हो आप, डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन ए वन, देखते रहिए मिलाते रहिए, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन ए थ्री। के वाला देखें, डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई, ये लिखा है। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट के रूप में कर्ल की वैल्यू लिखिए तो साइड में ये सिंबल जरूर बना दीजिए। इस सिंबल का मतलब है कि सभी मल्टीप्लीकेशन ऊपर से नीचे की ओर होगा, तब कोई दोष नहीं आएगा इसको ऐसे लिखने में, तब कोई दोष नहीं है जब हम इसको बना दें, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर ये दोषपूर्ण हो जाएगा, एरोनियस हो जाएगा। तो कर्ल ए वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये देखो आई जे के है तो वेक्टर क्वांटिटी। तो समराइज कर दें, ग्रेडियंट इज डिफाइंड फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड ग्रेड फाई इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, कर्ल इज डिफाइंड फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन,
कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रहा आज का काम, और ये सब ऐसे कंपैरेटिवली हम जारी रखेंगे। हम एक साथ आपको डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल पढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी बताना होगा इकट्ठे तीनों के लिए एक साथ बताएंगे। एक तरीका तो ये था कि पहले ग्रेडियंट से पढ़ा लें, फिर डाइवर्जेंस पढ़ा लें, फिर कर्ल पढ़ा लें। एक तरीका ये है कि तीनों एक साथ पढ़ा रहे हैं। तब ये मूड की बात है, मिजाज की बात है कि कैसे हम टीचिंग करें, कैसे हम विषय की प्रस्तुति करें। तो अभी हमारे मूड में आया कि चलो ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।